नमस्ते फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं ये जो फायरिंग सिस्टम है A08 इसका मॉडल नंबर है। इसमें दो रिमोट आते हैं और 8 रिसीवर आते हैं। ये सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा बिकने वाला और सबसे ज़्यादा डिमांडेड ये प्रोडक्ट है। ये जो सिस्टम है 8 चैनल वाला और 2 रिमोट वाला, ये सभी में काम, ये हीटिंग वाले फ्यूज़ में काम करता है, कोल्ड पायरो में काम करता है, रिबिन कनपट्टी, पेपर कनपट्टी, स्मोक पायरो सभी में काम करता है, इसलिए सबसे बेस्ट है। तो चलो इसके बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ और इसके साथ में क्या क्या चीज़ें आती है वो भी बता देता हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए। फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, इसका मॉडल नंबर है A08। जैसे कि इसमें डिस्प्ले में दिखा है कि इसमें 8 रिसीवर रहते हैं और 2 रिमोट रहते हैं। तो चलो मैं इसको खोल कर दिखा देता हूँ। पीछे में आप देखोगे तो पीछे में इंस्ट्रक्शन है चाइनीज और इंग्लिश में, और बाजू में लिखा है 8 पीस और इधर में कुछ नहीं लिखा है। तो मैं इसको फटाफट खोल कर आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह का ये सिस्टम रहता है। आप देखेंगे तो इसमें 8 रिसीवर रहते हैं। देखिए, ये 4 एक साइड हो गए और 4 इस साइड। इसमें 2 रिमोट रहते हैं। 2 रिमोट में एक जो रिमोट रहता है उसमें आल की बटन रहती है, मतलब एक ही बटन रहती है। जैसे एक बटन को हम प्रेस करेंगे तो पूरे जो सिस्टम है पूरे एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये दूसरा रिमोट है, दूसरे रिमोट में ABCD है। तो जैसे एक ही बटन दबा दूंगा तो जैसे ए वाले 2 है सिस्टम, तो 2 एक्टिवेट हो जाएंगे, बी वाले एक्टिवेट हो जाएंगे, सी और डी। ऐसे पेयरिंग के अनुसार इसमें दिया है, मतलब हमको पेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक 2 की पेयरिंग बनी हुई है। और ये ऑल वाली जब हम स्विच को प्रेस करेंगे तो ये सभी पेयर हो जाएंगे। तो आप देखोगे तो इसमें A08 लिखा है फायरिंग सिस्टम। यहाँ पर देखने पर ये 1 और 0 लिखा है, तो ये ऑन ऑफ की बटन है। और ये ब्लैक और ब्लू वाले ये कनेक्टर है, जैसे इसको प्रेस करेंगे तो पायरोस के वायर यहाँ लगाने के लिए प्रोविज़न है। पीछे में देखोगे तो पीछे में यह बैटरी के लिए कंपार्टमेंट दिया है और यहाँ छोटा सा होल दिया है। ये होल देने का रीज़न ऐसा है कि यहाँ पे डीप स्विच है, ये स्विच को हम प्रेस करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है और हम इसको पेयरिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको पीछे का कवर निकाल दिया। उसके बाद में फ्रेंड्स, इसमें इस तरह का ये बैटरी आता है। इसको डबल ए साइज़ की बैटरी बोलती है। जैसे अपने घर में दीवार वाली वॉच रहती है उसमें लगने वाली ये बैटरीज रहती है, तो ये डबल ए साइज़ की बैटरी है। तो इसमें 4 बैटरीज लगती है, मतलब ये 6 वोल्ट का सिस्टम बन जाता है। बैटरी लगाते समय थोड़ा ध्यान देना है कि पॉजिटिव नेगेटिव आप बराबर लगाना है। यदि पॉजिटिव नेगेटिव आपका गलत हो जाता है तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा। तो इस तरह से मैंने बैटरी लगा दिया। बैटरी लगाने के बाद इसका पीछे का कवर लगा देता हूँ। और ये देखिए, ये स्विच जैसे ये ऑन है और इधर में दबा देता तो ऑफ हो जाता है, वैसे मैंने यहाँ पे भी बैटरीज लगा दिया है, तो इसका भी स्विच ऑन कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 AA नंबर की है। देखिए, A नंबर, इसमें भी A नंबर है। तो इसका A नंबर को मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए ये एक्टिवेट हो गया है। और जैसे ऑल वाला प्रेस करता हूँ तब भी एक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब दोनों रिमोट में ये काम करते हैं। तो इसकी खासियत ऐसी है कि इसमें 2 रिमोट मिलने से यदि आपका एक रिमोट खो जाता है, गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो इस कंडीशन में आप दूसरे रिमोट से ये पहले रिमोट का पूरा काम कर सकते हैं। तो ये बढ़िया सिस्टम है और सबसे ज़्यादा डिमांडेड सिस्टम है। तो मैं ए वाले का ये बैटरीज निकाल के अभी बी वाले में डालकर आपको और दिखा देता हूँ। ये 8 चैनल वाला रिमोट सिस्टम है। इसमें 2 रिमोट आते हैं, तो 4 रिसीवर और 1 रिमोट, और दूसरे 4 रिसीवर और 1 रिमोट, ऐसे करके इसके 2 पार्ट बना सकते हैं। चाहे तो आप इसको एक प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, इसको दूसरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग वेडिंग हॉल में आपको यूज़ कर सकते हैं। सबसे बढ़िया रहता है 20 चैनल वाला, पर उसमें क्या रहता है, एक ही रिमोट रहता है, तो उसका आप 2 पार्ट नहीं बना सकते। जैसे कि इसमें 2 रिमोट होने से 2 पार्ट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं इसमें डबल ए साइज़ की 4 बैटरी लगती है। बलून की एंट्री रहती है, उसमें हीटिंग वाले जो फ्यूज़ रहते हैं उसमें ये काम करता है। और ये सबसे बढ़िया रहता है, इसकी करंट कैपेसिटी ज़्यादा रहती है और कंटिन्यूस करंट देता है इसे, इसलिए ये हीटिंग फ्यूज़ में काम आता है और पायरोस कन्फट्टी स्मोक में वगैरह सभी में काम आता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने A08 में सेल लगा दिया है और B में भी सेल लगा दिया है। जैसे मैं A वाली बटन को प्रेस करता हूँ तो जैसे ये ब्लिंक हो रहा है, B वाली बटन को प्रेस करता हूँ तो ये B वाला ब्लिंक हो रहा है। और जैसे मैं ये वाली ऑल वाली बटन है तो इसको मैं जब प्रेस करता हूँ तो ये दोनों ब्लिंक हो जाते हैं। तो इस ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, आप ऑल एक साथ फायर कर सकते हैं। और पेयरिंग में चाहिए आपको AA BB CC DD ऐसे करना है तो आप ये रिमोट से कर सकते हैं। तो बढ़िया सिस्टम है। और आपको यदि पेयरिंग करना है तो आप पीछे में देख रहे हैं यहाँ पे एक छेद है, तो ये छेद से आप जैसे 220 में वगैरह आप पेयरिंग करते हैं तो उस जैसे आप इसमें पेयरिंग कर सकते हैं। इसकी खासियत ऐसी है कि इसमें एंटीना रहता है, तो इसकी रेंज भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे कंपनी 100 मीटर का रेंज देती है, मतलब 300 फीट से भी। इसमें 5 फोल्डिंग होती है और इसमें 3 फोल्डिंग होती है। इस तरह से इसमें एंटीना रहता है। ज़बरदस्त सिस्टम है, सबसे ज़्यादा लोगों की इसमें डिमांड रहती है और सबसे ज़्यादा बिकता है, क्योंकि ये सबसे सस्ता है, बढ़िया है और कभी ख़राब होता नहीं है।
और इसकी जो बैटरीज हैं मिनिमम 1 साल चलती है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपके मन में डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में उसका आंसर दूंगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लिंक पे जैसे क्लिक करोगे मेरे व्हाट्सएप पे जाओगे, उसमें आपको पूरी प्राइस होलसेल के रेट वगैरह सब आपको मिल जाएंगे। तो चालू कर।